अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम गाइस। तो दोस्तों, मैं दोबारा से खेलने वाला हूँ स्पार्कलिंग सोसाइटी सिटीजलैंड 5। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये गेम प्ले करा था और मैंने कुछ अपनी सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम किया था, कुछ रोड्स बनाए थे और इसके अलावा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल और कम्युनिटी बिल्डिंग्स मैंने बॉइल कर दी थी। बट उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस, आज हम ओपन करने वाले हैं गोल्डन चेस्ट। मींस भाई, इसकी काफ़ी वैल्यू है और गारंटी रिवार्ड जो है इसके अंदर वो है बिल्डिंग्स हैं, रार बिल्डिंग्स हैं, कैश है, गोल्ड और सिल्वर कीस हैं। और इसमें जो रार रिवार्ड है वो डायमंड कीस हैं, लेवल अप है और क्रेन्स भी है। 10% चांसेस हैं डायमंड कीस के, 83% चांसेस। तो गाइस, आज मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सिल्वर चेस्ट ओपन किया था और मैं काफ़ी सारे सिल्वर चेस्ट ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो भाई, आज करते हैं फर्स्ट अपना काम, गोल्डन चेस्ट ओपन। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है इसमें, ये काफ़ी महंगी है। इसके अलावा मेरीना, ये भी काफ़ी महंगा है। एक हाउस है छोटा सा, कैंटीन, ये भी काफ़ी महंगा है भाई। अपार्टमेंट भाई, ये रार बिल्डिंग्स तो काफ़ी सारी मिल गई मुझे, काफ़ी सारे मेरे पास डॉलर्स भी मुझे मिल गए हैं। 61 मेरे पास आ चुके हैं गोल्ड, 204 सिल्वर कीस है, 16 मेरे को मिली है डायमंड कीस। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिल्डिंग वैल्यू है 147 गोल्ड से, आई मीन 147 गोल्ड एंड 12 लाख नहीं, ये है काफ़ी सारे पैसे हैं इसमें। और काफ़ी सारे महंगी है मीन के बिल्डिंग्स जो मुझे मिली हैं, और रार बिल्डिंग्स 3 हैं मेरे पास। एक शॉप है इलेक्ट्रिक और, एक मैरीना है और एक अपार्टमेंट है। तो आज हम इसको करने वाले हैं बोइल्ड। तो भाई, और मेरे पास 413 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डायमंड चेस्ट भी हम ओपन करेंगे। तो जी, यहाँ से मिल चुके, वैसे मेरे पास जो हो चुके हैं ना मीन के 256 हो चुके हैं। ये क्या कहते हैं इनको यार, गोल्ड, मैं भूल जाता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते कहीं से कहीं बहुत ज़्यादा बात करते करते। खैर, तो भाई सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है, जो मेरा अपार्टमेंट है इसको मुझे करना है यहाँ पर बोल्ड। मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ इधर ही कर देता हूँ ना। ओह अच्छा, ठीक है यार, फिर ठीक है, मैं समझ शायद यहाँ पे जगह है। ठीक है यार, अपना तो काम ये तो हो जाएगा। अपार्टमेंट से काफ़ी सारे मेरे पास सिटीजन्स आएंगे और 30 मेरे को गोल्डन की फिर मिल चुकी हैं। तो भाई, ये सब चीज़ें मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, प्रॉफिट्स हैं मेरे। अच्छा, अब मेरे पास हो चुके हैं 5 लाख से ऊपर हो चुके हैं, सॉरी 50 लाख से ऊपर हो चुके हैं मेरे पास डॉलर्स। तो अब मैं करने वाला हूँ इसको भी ओपन। 4 कीस लगा के मैंने कर दिया डस्टी ब्लेंड्स को ओपन। तो भाई, ये वाला स्लैंड भी मेरे पास, मीन के ये वाला जजीरा भी मेरे पास हो चुका है ओपन। यार यहाँ पर काफ़ी सारी मुझे ना बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जगह मिल चुकी है, हमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अच्छा, मेरे पास कुछ चीज़ें भी हैं ना, कि मेरीना मैं यहाँ पे लगा दूँ क्या? हाँ यार, यहीं पर जगह हो सबसे बेस्ट है। मेरे पास क्रेन्स तो खाली नहीं है अभी फ़िलहाल, बट मैं इसको लगा दूँगा, नो इशू। ठीक है भाई, अच्छा मेरे पास फ़िलहाल तो कोई क्रेन खाली नहीं है ना। ओके, मैं आपको बाकी सिटीज़ का भी अपना व्यू दिखा दूँ क्या भाई, बाकी सिटीज़ भी कैसे लग रही हैं। अच्छा, ये वाला स्लैंड मुझे ओपन करना है, वैसे भी मैं कर सकता हूँ, बट एक डील आती है उसमें ना यार, ये जो सिटीज़ है ना इनके जो गोल्ड रेट है ना, ये गोल्ड रेट आधे हो जाते हैं, और मैं उससे ना इनमें से कोई भी जो है ना कर सकता हूँ। मीन के अगर मैं वाले लूँ 149 इसके ना गोल्ड, मीन गोल्ड इसका रेट है, तो यार वो आधा ओके हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका भी 219 है, तो ये 100 हो जाएगा।
मीन्स कि मैं दो से दो तो कम से कम कर सकता हूँ अगर वो डील मेरे पास आ जाए तो। ये वाला भी कर सकता हूँ वो डील आ जाए, वैसे अभी भी ये वाला कर सकता हूँ मैं ऑल में से एक कोई अभी एक भी खरीद सकता हूँ कोई सा भी एक, बट मैं चाह रहा हूँ वो डील आ जाए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर वो डील आई तो मैं ज़रूर आप लोगों को उसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। फिलहाल तो गाइस मैं अपना ये वाला आपको सिटी दिखा दूँ, मैंने लास्ट वीडियो में इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की थी, मैंने कहा था यार इस वीडियो को पहले मैं सारे एरियाज ना परचेज कर लूँगा एक्सपेंशन, उसके बाद ना मैं इस पर ये बॉइल करूँगा ओके। लेकिन मैंने बोला यार करना शुरू तो करें कम से कम, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना अच्छी लगती है, सिटी का प्रॉफिट भी बढ़ता है ना यार। तो भाई फ़िलहाल तो मैंने इस वाले सिटी का आपको व्यू दिखा चुका है, मैं काफ़ी सारे एक्सपेंसेस के ख़रीद सकता हूँ खरीद चुका हूँ, और आपको मैं अपना ये वाला सिटी भी दिखा देता हूँ पॉलर पीक्स, ये बड़े बड़ा प्यारा बनेगा। बट यार इसके जो बिल्डिंग्स हैं ना वो काफ़ी महंगी हैं, चूँकि अभी हमारी ख़रीद से बाहर, वैसे बाहर तो नहीं है, मेरे पास गोल्ड काफ़ी सारा है, लेकिन यार मैं गोल्ड को ना सही जगह पर ख़र्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर छोटी मोटी बिल्डिंग्स कर रखी हैं फ़िलहाल, तो अभी यहाँ पर कोई इतनी बड़ी मैंने बिल्डिंग नहीं की है। बट इस वाले सिटी में काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन कर चुका हूँ। फ़िलहाल गाइस मैं आपको दिखा दूँगी यार, यार एक इन दोनों को तो मैं करने वाला हूँ गोल्ड से, 250 गोल्ड मेरे पास बाकी है ओके, ठीक है भाई अपना काम चल जाएगा। अच्छा अभी ये ना चैलेंज एक इवेंट चल रहा है यहाँ पर 6 डेज़ का है, मीन के यहाँ पर कंप्लीट टास्क टू फिल दी वेरेंट विद दिस इवेंट रार रिवार्ड। तो गाइस अगर मैं इसके ये मुझे ये चैलेंज दे रहा है लेवल अप करना है वन टाइम, मुझे 20 यहाँ पर मिसी कुछ हैं और फ्लावर लग रहे हैं, नहीं फ्लावर नहीं है ना कुछ यार, ये किस तरह बताऊँ मैं, इनके एक रिवार्ड टाइप है, ये मुझे कंप्लीट करने है, मैंने 100 तो कलेक्ट कर लिए, मीन 300 करने के बाद ना मुझे ये मिल जाएगा अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट जो कि रॉक पर बॉइल्ड होगा, और इसके यार बोनस काफ़ी ज़्यादा है 6648 जो है ना 84 सॉरी इसका जो है ना मीन के स्टार्स मिलेंगे, इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा वन टाइम में $339,000 और टाइम अंटिल प्रॉफिट होगा इसका एंड के वन एंड हाफ हॉर्स और एम्प्लॉयज होंगे इसके 86, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मदद करने वाला है। तो गाइस स्पीड अप तो 6 टाइम करना, मैं 3 टाइम ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे मिल जाएगा, वैसे मैं उम्मीद तो मुझे यही है कि यार मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा टास्क को। फ़िलहाल मैं आपको कुछ और यहाँ पर बॉइल करके दिखा दूँ। अच्छा मैंने क्या बोला था, अच्छा ये दो चीज़ें मैं अभी बॉइल करने वाला हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे सिटीजन हैं उनको जॉब्स की नीड भी होगी, तो मैं जाने वाला हूँ पहले तो इस वाले सिटी में, पहले आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा दूँ लावा लेगून का, ये भी मैंने ओपन कर लिया था, 20 लाख डॉलर्स का था ये, और इस पर मैंने अभी बिल्डिंग ज़्यादा नहीं की है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यार ये काफ़ी महंगे इसके जो है ना मेंशन एक्सपेंशन से, ये सस्ता ये ले सकता हूँ मैं, बट अभी मेरे पास इतना पैसे नहीं है, अभी जो फ़िलहाल मैं लगा हुआ था ना वो मैं इसी में था यार, किसी तरीके से ना चेस्ट जो ओपन करना मुझे गोल्ड वाला वो मैं कर लूँ, तो उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ मैरीना को लगाने के लिए, मैरीना लगा दूँगा। अच्छा पहले इसका प्रॉफिट्स वगैरह देख लेना क्या है, वन टाइम में 335,200 इसका प्रॉफिट मिलेगा, 10 hours and 10 minutes में इसका अंटिल प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय 3500 इसके मुझे स्टार्स मिल जाएगा, तो गाइस ये 54 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ व्हील्स भी मैं स्पिन कर सकता हूँ बट अभी मैं वीडियोस नहीं देख सकता यार, ये बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी कभी कभार मिल जाती हैं इसमें स्पिन पे। फ़िलहाल तो यार मुझे, अबे भाई क्या हो गया मेरे सारे दो तो पारियाँ मेरी बेकार चली गई, ओ एक गोल्ड मिला, फ़िलहाल तो एक भी बहुत होता है यार, कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाता है इससे एक का भी। अच्छा मैं अभी एक ये भी लगाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक शॉप अपने पॉलर पीक्स में, सिनोसलैंड ये बहुत प्यारा बनेगा जब यार ये पूरा का पूरा मैं ओपन कर लूँगा ना, इसे भी कर नहीं सकता मैं,
कुछ भी एक्सपेंशंस के ख़रीद लूँगा मैं थोड़े टाइम में ही, नो इशू। वैसे मैं ये वाली शॉप जो है ना लावा लेगून में भी लगा सकता हूँ, बट मुझे लावा लेगून में नहीं लगानी है क्योंकि मैं इस वाले सिटी से ज़्यादा सारा प्रॉफिट इकट्ठा करना चाहता हूँ। यार इसमें तो एक मिनट, काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 17,000 मुझे स्टार्स मिलेंगे, 71,040 प्रॉफिट मिलेगा भाई डॉलर में मुझे पर टाइम में, आई मीन के एक बारी में। लेकिन इसका टाइम जो है ना वो 300 बोल रहा हूँ भाई, ये बहुत लंबा चलाएगा, 35 एम्प्लॉयज़ होंगे। तो भाई फ़िलहाल तो मैं इसी को लगाने वाला हूँ। तो गाइज ये है मेरी सिटीज़, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इनमें लाइक ज़रूर कर दिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें भाई, 100K जल्दी से हमें करने हैं फास्ट। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है 100K पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।